नाउ वी विल डिस्कस अबाउट शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस। जब भी हम लोग किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड ट्यूब में एक कुछ चेंज देखने को आता। दिस डिपेंड्स ऑन कि कैपिलरी के साथ लिक्विड का इंटरेक्शन क्या है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब। A tube of very small cross section is called capillary tube. For example, pen के refill, lab के पतले pipes, ये सारे capillary tube हैं। जब एक capillary tube में मैं अलग अलग type के liquid को डालता हूँ तो उनका behavior अलग अलग होता है। इस liquid की बात करते हैं, इस container में एक liquid है, इस liquid की हम बात करते हैं तो ये liquid फोर्स ऑफ एडेशन इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा और लिक्विड का लेवल ना तो राइज हो रहा है ना तो फॉल हो रहा है। इसका मतलब है इस पूरी लिक्विड की वजह से फोर्स ऑफ कोहेजन वो इस डायरेक्शन में फील करेगा, जिसका एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा वो फोर्स ऑफ एडेशन से बैलेंस होगा, लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारे पास का सिचुएशन नंबर वन। नाउ द सेकेंड नंबर, सिचुएशन नंबर टू, फोर्स ऑफ एडेशन इस डायरेक्शन में है। नाउ फोर्स ऑफ कोहेजन जो है वो इस डायरेक्शन में लगने वाला है। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लेकिन दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल। अब जरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। जब फोर्स ऑफ एडेशन की वैल्यू ज़्यादा है फोर्स ऑफ कोहेजन से, इस वाले फोर्स से फोर्स ऑफ एडेशन ज़्यादा है तो हमारे पास का नेट फोर्स एक कंपोनेंट इधर की तरफ और एक कंपोनेंट इधर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा। नाउ द नेक्स्ट, जब हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ कोहेजन है इसके दो कंपोनेंट हुए, एक कंपोनेंट एफ डैश इधर की तरफ लग रहा है और दूसरा कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, फिर से हम लोग देखें कि इनका रिजल्टेंट किस तरह से प्लान होता है। इधर का फोर्स ज़्यादा है एफ डैश और फोर्स ऑफ एडेशन कम है तो इन दोनों का नेट फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा और फोर्स ऑफ कोहेजन का दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ तो रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा। दिस इज एफ रिजल्टेंट। क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग? हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स ऑफ कोहेजन एंड एडेशन के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट फोर्स बनता है और रिजल्टेंट फोर्स जो है लिक्विड के शेप को प्लान करता है। दिस कर्व सरफेस इज ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस, दैट इज द फोर्स ऑफ कोहेजन एंड द फोर्स ऑफ एडेशन। द कर्व सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड मेनिस्कस ऑफ लिक्विड। इफ फ्लूइड मॉलिक्यूल ए इज इन कॉन्टेक्ट विथ सॉलिड then the force acting on molecule A are force of adhesion FA which is acting outwards right angle to the wall. Number 2, force of cohesion acting at an angle of 45 degree with vertical. Resultant force FN depends upon the value of FA and FC जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा हुआ था। If resultant force Fn makes an angle of alpha with Fa, then tan alpha this is equal Fc sin 35 upon Fa plus Fc cos 135. ये already हम लोगों ने vector में discuss किया हुआ है। By knowing the direction of resultant force, we can find out the shape of meniscus because the free surface of liquid adjusts itself at right angle to the resultant force.
इफ एफ सी इक्वल रूट टू एफ ए देन टेन अल्फा इक्वल इनफाइनाइट, दिस इज अल्फा इक्वल 90 डिग्री। मतलब इस सिचुएशन में फोर्स ऑफ कोहेजन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ एडहेशन। द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, हैंस लिक्विड मिनिस्कस मस्ट बी हॉरिजॉन्टल। एग्जाम्पल प्योर वाटर इन सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब। जब सिल्वर कोटेड कैपिलरी ट्यूब में हम प्योर वाटर को डालते हैं तो हमारे पास लिक्विड का सरफेस परफेक्टली फ्लैट मिलता है। और जब एफ सी इज ग्रेटर देन रूट टू एफ ए तो ऐसे वक्त में टेन अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव एंड अल्फा इज एक्यूट एंगल। ये है हमारे पास का वो सिचुएशन जिसमें अल्फा इज एक्यूट। और ऐसे वक्त में हम लोग जैसा कि देख रहे हैं इधर की तरफ हमारे पास में एक्सेस ऑफ प्रेशर है, इसकी वैल्यू होती है 2T/R एंड विल फ्लो फ्रॉम कॉनकेव टू कॉन्वेक्स फॉर लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। तो ये हमारे पास का कॉनकेव मिनिस्कस फॉर्म करता है। दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टेड आउटसाइड द लिक्विड, हेंस द लिक्विड मिनिस्कस मस्ट बी कॉनकेव अपवर्ड। टू मिनिमाइज द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड राइसेस इमीडिएटली। एग्जाम्पल वाटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। इफ एफ सी इज ग्रेटर देन रूट टू एफ ए तो ऐसे वक्त में अल्फा इज निगेटिव, दैट इज एब्सोल्यूट ऑब्ट्यूस एंगल। ये वाला हमारे पास का ज्योमेट्री। इस सिचुएशन में एक्सेस ऑफ प्रेशर मस्ट बी 2T/R एंड दिस मस्ट बी ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेशर। और इसकी वजह से एक्सेस ऑफ प्रेशर स्टार्ट्स कॉसेस द लिक्विड टू मूव अपवर्ड, और इसकी वजह से लिक्विड लेवल राइज होने लगता है। द रिजल्टेंट फोर्स डायरेक्टेड इन साइड द लिक्विड, हेंस द लिक्विड मिनिस्कस मस्ट बी कॉन्वेक्स अपवर्ड। एग्जाम्पल मरकरी इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब। नाउ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब हमारे पास का एक लिक्विड सरफेस दो अलग अलग मीडियम के साथ एक सर्टेन एंगल बनाता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो लिक्विड दो फ्री सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, दिस एंगल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल विथ विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसा कि मैंने भी बोला है बार बार कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये एंगल मस्ट बी डिजाइन एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मिक्स विद द सॉलिड सरफेस इन साइड द लिक्विड इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड सॉलिड के साथ और लिक्विड एयर के साथ, इन दोनों के साथ जो टेंजेंट है वो जो एंगल बना रहे हैं उसे हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम हियर, एक सॉलिड के साथ लिक्विड का सरफेस और एक एयर के साथ लिक्विड का सरफेस, इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस एंगल इज डिजाइंड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखते हैं कि वाटर के केस में दिस एंगल इज एक्यूट, बट इन केस ऑफ मरकरी दिस एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूस। दोज लिक्विड विच वेट द वॉल ऑफ कंटेनर हैव मिनिस्कस कॉनकेव अपवर्ड एंड देयर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री। बट दोज लिक्विड विच हैज एंगल ऑब्ट्यूस विच कैन दे कैन नॉट वेट द सरफेस ऑफ अदर बॉडीज। इन केस ऑफ वाटर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज अबाउट 8 डिग्री, बट फॉर प्योर वाटर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ ग्लास और सिल्वर कोटेड ग्लास इज 0 डिग्री। ये हमेशा 0 डिग्री रहने वाला है किसमें, इन केस ऑफ ग्लास और सिल्वर कोटेड ग्लास। दोज लिक्विड विच कैन नॉट वेट द वॉल ऑफ द कंटेनर हैविंग मिनिस्कस एंड कॉन्वेक्स अपवर्ड
और इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट मस्ट बी ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मरकरी विद ग्लास इज अबाउट 140 डिग्री, फॉर थीटा इक्वल 90 डिग्री द सरफेस मस्ट बी फ्लैट, प्लेन मिनिस्कस, नाइदर कॉन्वेक्स नॉर कॉनकेव, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, एंड देन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज पर्टिकुलर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, दस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट चेंजेस विद द पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर वेरियस लिक्विड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट बी डिफरेंट फॉर सेम सॉलिड, दोज डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। कहने का मतलब एक कैपिलरी ट्यूब है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 4 डिग्री, यदि मैं कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट करूंगा तो भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 4 डिग्री, कैपिलरी ट्यूब को वर्टिकल रखूंगा तो भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 4 डिग्री, कैपिलरी ट्यूब को टिल्ट करूंगा तो भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 4 डिग्री। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज सरफेस टेंशन डिक्रीजेस देयरफॉर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मस्ट डिक्रीजेस, सॉल्युबल इंप्योरिटीज इंक्रीजेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बिकॉज रिमेंबर सॉल्युबल इंप्योरिटीज मस्ट इंक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑल्सो, क्योंकि ये सरफेस टेंशन को इंक्रीज करता है इसीलिए ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी इंक्रीज करेगा। पार्शियली सॉल्युबल इंप्योरिटीज डिक्रीजेस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, कैपिलरिटी, जब किसी कैपिलरी को किसी वाटर में डालते लिक्विड में डालते हैं तो कैपिलरी में लिक्विड लेवल का आइदर राइज और फॉल देखने को मिलता है, दिस राइज और फॉल इन लिक्विड इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। जब किसी कैपिलरी ट्यूब को मैं किसी लिक्विड में डालता हूँ तो लिक्विड के लेवल में या तो राइज मिलने वाला है या फिर लिक्विड के लेवल में कुछ फॉल मिलने वाला है, लिक्विड के लेवल में जो ये राइज या फॉल होता है इसी को हम लोग कैपिलरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन कहते हैं। हमने एक कैपिलरी ट्यूब को वाटर में रखा तो हम लोग देख रहे हैं कि वाटर लेवल यहाँ पर राइज हो रहे हैं, स्ट्रॉ लोअर्ड इन टू वाटर दिस कॉजेज राइज इन वाटर लेवल, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। द रूट कॉज ऑफ द कैपिलरिटी इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ कर्व सरफेस ऑफ लिक्विड, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला कि देखते हैं अलग अलग कैपिलरी ट्यूब को जिसके क्रॉस सेक्शन अलग अलग हैं, ऐसे वेरियस क्रॉस सेक्शन वाले कैपिलरी ट्यूब को जब मैं एक लिक्विड में डालता हूँ तो मुझे देखने में आता है कि तीनों का राइज इन लिक्विड अलग अलग है। रीज़न बिहाइंड दिस कि जिसका रेडियस कम है वहाँ पर कैपिलरी एक्शन ज़्यादा हो रहा है, जिसका रेडियस ज़्यादा है उसमें कैपिलरी एक्शन कम हो रहा है। वापस से मैं बोलना चाहूँगा, एक्सेस ऑफ प्रेशर को भूले नहीं हम लोग, दिस इज इक्वल टू टी बाय आर, जिसकी रेडियस कम उसके लिए प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा, प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है जिसकी वजह से लिक्विड लेवल राइज हो रही है, जिसका रेडियस ज़्यादा उसका प्रेशर डिफरेंस कम, एक्सेस ऑफ प्रेशर कम और इसका मतलब इसकी रेडियस ज़्यादा है तो प्रेशर डिफरेंस कम होने की वजह से लिक्विड लेवल कम राइज हो रही है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि पी कॉजेस कैपिलरी एक्शन एंड P is directly associated with radius, therefore we will say that कि radius affect capillary action. Now, some examples of capillarity. Ink rises in the fine pores of the blotting paper, leaving the paper dry. जब हम लोग इंक को एक ब्लॉटिंग पेपर के कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो ये पूरे के पूरे ब्लॉटिंग पेपर में राइज करते हैं। टॉवल सोक्स वाटर, बेस्ट एग्जांपल, बिकॉज देर आर सो मैनी कैपिलरिटीज इन टॉवल
देयरफॉर व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विथ वेट बॉडी इट सोक्स ऑल द वाटर ऑन वेट बॉडी। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ पर हमने एक टॉवल को दो अलग अलग वेसल में रखा और देखने को मिल रहा है कि यहाँ से पूरे के पूरे वाटर को सोक करके ये ट्रांसफ़र कर रहा है और इसकी वजह से वाटर का फ्लो हो रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ओवर हियर। ऑयल राइजेज इन द लॉन्ग नैरो स्पेस बिटवीन द थ्रेड्स ऑफ विक। बिल्कुल, एक हमने दिए में विक डाला और नीचे ऑयल रखा हुआ है। इस विक में थिन कैपिलरी होने की वजह से सारे के सारे ऑयल को ये सोक करके ऊपर राइज कर रहा है। वुड स्वेल्स इन रेनी सीजन ड्यू टू राइज ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर इनटू इट्स पोर। प्लगिंग ऑफ फील्ड इज एसेंशियल फॉर प्रिजर्विंग मॉइस्चर इन द सॉइल। जैसे हम लोग फील्ड को प्लगिंग करते हैं तो उसमें बनने वाले छोटे छोटे सारे के सारे जो कैपिलरी क्लोज हो जाते हैं, जैसे हम खेत के फील्ड को प्लो करते हैं तो सारे के सारे न्यू कैपिलरीज ओपन हो जाते हैं। सैंड इज ड्रायर सॉइल देन क्ले। दिस इज बिकॉज होल्स बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स आर नॉट सो फाइन एज कंपेयर टू दैट ऑफ द क्ले टू ड्रॉ अप वाटर बाय कैपिलरी एक्शन। इसीलिए सैंड्स में जो कैपिलरी फॉर्म होता है वो उतना फाइन नहीं होने के कारण वो वाटर को उतना ज़्यादा ड्रैग नहीं कर पाएगा, कैपिलरी एक्शन में लिक्विड को उतना राइज नहीं करा पाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट इज एसेंट फॉर्मूला। जब किसी कैपिलरी को एक वाटर कंटेनर में डालते हैं जिसकी वजह से कैपिलरी में वाटर राइज हो रहा है, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसे हम लोग एसेंट फॉर्मूला कहते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब एक कैपिलरी को हमने वाटर में डाला तो यहाँ पर कैपिलरी एक्शन हुआ और वाटर लेवल राइजेस। तो हम लोगों का कहना होता है कि जब हम लोग कैपिलरी को वाटर में डाल रहे हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस जनरेट होगा और इस प्रेशर डिफरेंस के लिए हम लोग बात करते हैं। तो हमारा कहना होता है कि ऊपर की तरफ जो प्रेशर जनरेट होगा दिस विल बी 2T/R, जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P। तो इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट बी दिस इज इक्वल P-2T/R एंड ड्यू टू दिस प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन अपर प्रेशर एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लिक्विड राइजेस। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम द लिक्विड लेवल राइजेस एंड द कैपिलरी ट्यूब अप टू हाइट एच। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इक्वल प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट लाइन। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये जो इतने लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू सरफेस टेंशन, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, या उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर, उसके बैलेंस करने से होता है। एच डी जी दिस इज इक्वल 2T/R एक्सेस ऑफ प्रेशर। बार बार हम लोग यही बोल रहे हैं। देयरफॉर एच इक्वल 2T/RdG। एंड ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना होगा, जरा देखते हैं हम लोग। ये है हमारे पास का लिक्विड मेनिस्कस। आप लोगों को थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना होगा। इसका रेडियस है कैपिटल R, जबकि कैपिलरी का रेडियस है स्मॉल r। कैपिलरी का रेडियस है स्मॉल r। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज थीटा ओवर हियर। तो ये एंगल 90-θ, दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देयरफॉर r इक्वल स्मॉल r बाय कॉस थीटा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब कैपिटल आर की वैल्यू लिखते हैं तो हमारे पास में आता है
आर अपॉन कॉस थीटा, देयरफॉर हाइट इक्वल टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज कि द कैपिलरी राइजेस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, दैट इज बोथ सरफेस टेंशन, डेंसिटी, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड रेडियस। कैपिलरी एक्शन फॉर वेरियस लिक्विड सॉलिड पेयर इज डिफरेंट। ग्लास वाटर के लिए हमारे पास में बोला गया है कि लिक्विड लेवल राइज हो रही है क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री है। वही यहाँ पर यदि मैं प्योर वाटर की बात करूँ जो सिल्वर कोटेड कैपिलरी में है, तो हम लोगों का कहना होता है कि यहाँ पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़ीरो है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ज़ीरो होने की वजह से देर इज़ नो राइज और फॉल इन लिक्विड। This is plain meniscus. Angle theta is 90 degree. Therefore, there is no rise or fall of liquid. In case of mercury ke case mein angle of contact is greater than 90 degree. Angle of contact is obtuse. Or, kyunki angle obtuse hai, therefore this must be a fall of liquid. For a given liquid solid at given place, H is inversely proportional to R. Keeping surface tension, angle of contact, density and acceleration due to gravity is constant. Remember, H equal 2T cos theta upon R rho G. Therefore, remaining all parameters are kept constant and therefore H is inversely proportional to R. Lesser the radius of capillary, greater will be the rise and vice versa. This is called Jurin law. If the weight of the liquid column in meniscus is taken into consideration, then the more accurate ascent formula is given by H equal 2T cos theta upon R rho g minus R by 3. इन केस ऑफ कैपिलरी ऑफ इनसफिशियंट लेंथ, यदि हम लोगों ने कैपिलरी को इनसफिशियंट लेंथ पर रखा तो फिर क्या हो सकता है। जैसे हमारे पास का ये एक कैपिलरी है जो एक सर्टेन हाइट तक, एच हाइट तक राइज कर रहा है, हमने इसे एक इनसफिशियंट लेंथ पर कट कर दिया, व्हाट विल हैपन। तो हमारे पास बात आती है क्या ये वाटर फाउंटेन बन करके स्प्रेड आउट होगा? नो। क्या ये वाटर ओवरफ्लो करता हुआ दिखेगा? नो। या फिर क्या ये लिक्विड लेवल जो है वो वहीं तक पहुंचेगा? वी कैन नॉट एक्सप्लेन डायरेक्टली, वी हैव टू गो थ्रू ज्यूरिन लॉ। ज्यूरिन लॉ सेज एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। दिस मीन एच वन अपॉन एच टू दिस इज इक्वल आर टू अपॉन आर वन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि यदि हमारे पास में इनिशियल हाइट है h एंड इनिशियल रेडियस है r, तो रिमेंबर h2 और इधर r2, क्योंकि h2 की वैल्यू डिक्रीज हुई है इसका मतलब है कि r2 की वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है कि यहाँ पर लिक्विड का फ्री सरफेस मोर फ्लैट होने वाला है, यहाँ पर लिक्विड का सरफेस मोर फ्लैट होने वाला है और ये लिक्विड सरफेस ज्यादा फ्लैट हो जाएगा। द लिक्विड आफ्टर रीचिंग द अपर एंड विल इंक्रीज द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस विदाउट चेंजिंग नेचर सच दैट एच आर इक्वल एल आर डैश, एल इज लेस देन एच, देयरफॉर आर डैश इज ग्रेटर देन आर, दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड।